हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सब? अच्छे से? मैं भी अच्छे से। तो दोस्तों, चलिए आज फिर मैं आ गई हूँ आप लोग के लिए एक नया डिश या व्यंजन बना करके दिखाने के लिए, कि बना के आपको दिखाती हूँ, सिखाती हूँ और खुद भी सीखती हूँ अगर कुछ नहीं आता मुझे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। आज मैं आप लोग के लिए ले करके आई हूँ चने की दाल। ये है दोस्तों चने की दाल। अरहर की दाल और चने की दाल में अंतर होता है, इसलिए मैं दिखा रही हूँ। अरहर की दाल नहीं, ये चने की दाल है। एक कटोरी चने की दाल ली है मैंने, और उसको रात भर भिगो करके पानी में, ये देखिए, धो के रख लिया है अच्छे से। तो ये चने की दाल जो मैं दिखा रही हूँ, आज मैं चने की दाल का पराठा कैसे बनाएंगे, या कचौड़ी आप खाना चाहें तो वो भी बन सकती हैं। तो मैं आज आपको चने की दाल का पराठा, बहुत ही स्वादिष्ट, चाय के संग नाश्ते में भी खा सकते हैं, खाने में खा सकते हैं, कद्दू की सब्जी के संग खा सकते हैं, वही वाला डिश जो है नाश्ते का, सुबह सुबह बहुत अच्छा खाने में, नाश्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी की डिश बना करके दिखाने जा रही हूँ, या रेसिपी दिखा रही हूँ ना। देखिए, चने की दाल जो मैंने भिगोई थी रात में, वो भी आपको दिखा दिया, और सूखी वाली भी दिखाई थी कौन सी भिगाई है। ठीक है, इसके अलावा क्या मसाले लगेंगे वो भी दिखाती जाती हूँ आपको। ये है लाल मिर्ची, तीन मैंने ली हैं, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन तीन में अच्छा स्वाद आएगा। ठीक है, ये बहुत अधिक भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं। दूसरा मसाला हो गया मेरा मेथी के दाने, चने की दाल में मेथी के दाने डालेंगे। तीसरा हो गया हल्दी, जो कि मैं सभी चीज़ों में इस्तेमाल करती हूँ, आप देखते होंगे ज़्यादातर। और ये हो गया नमक। ठीक है दोस्तों, साथ में ये आटा लिया मैंने, ये देखिए 1.5-2 कटोरी आटा है करीबन, है ना। अपनी कटोरी का अलग अलग साइज होता है, इसलिए मैंने बताया मेरी 1.5 कटोरी, आपका 2 कटोरी भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं उससे। जिसमें कि ये कैसे माड़ेंगे ये भी आपको दिखाएंगे, कि इसमें क्या डालेंगे आटे में। तो चलते हैं, अपना गैस ऑन करते हैं या इंडक्शन ऑन करते हैं, जिसके पास जो है। ये देखिए, इंडक्शन मैंने ऑन किया, गैस पे बनाते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि इसको तो बस खाली उबालना ही टाइप से है, तो हम इसमें कर देते हैं, है ना। तो ये देखिए, कुकर रख दिया इंडक्शन पे मैंने। अब कुकर जब गर्म हो जाएगा तो इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल या रिफाइंड, आपको जो भी पसंद हो डाल सकते हैं। मैं तो रिफाइंड ही ज़्यादा, रिफाइंड की जगह सरसों का तेल ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, आप लोग जानते हैं। सब्जी वगैरह बनाना है या कुछ भी करना है तो सरसों का तेल बहुत अच्छा रहता है। देखिए, कुकर गर्म हो जाएगा तो ये थोड़ा सा सरसों का तेल, बहुत ही कम मात्रा में, 1 चम्मच बहुत है। ये देखिए, बहुत ही कम मात्रा मैंने डाला, ये आप लोग भी देख सकते हैं, दिखेगा भी नहीं आपको इतना कम मात्रा में। अब ये तेल जब गर्म हो जाएगा, तेल गरम हो जाएगा तो देखिए, ये मेथी के दाने जो मैंने निकाले हैं इनको डालूंगी। एक बात बताइएगा दोस्तों, कि मेथी के दाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मुझको नहीं पता है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कि मैं तो मेथी के दाने बता दिया आपको, लेकिन कुछ होंगे हमारे दोस्त जिनको नहीं पता होगा, तो उनके लिए आप प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके, कि मेथी के दानों को इंग्लिश में क्या कहते हैं। ये देखिए, तेल गरम हो गया और मैंने ये डाल दिया इसमें, साथ में ये चिली, रेड चिली, इसको भी डाल देंगे। और ये प्रोसेस सारा जो है थोड़ा जल्दी जल्दी ही करेंगे, ठीक है, जिससे जो ये मेरा मेथी का दाना है और मिर्चा है, दोनों चीजें एक बार ऐसे हिला देंगे सिंपल। और अब ये दाल जो है मैंने भिगाई है, इसको पानी हटा के, ये देखिए पानी दोस्तों हाथ से हटा रही हूँ मैं, आप लोग देख रहा होगा कैसे हटा, और इसको ऐसे हटा देंगे। देखिए, देखा ना आप लोगों ने, और एक बार इसको हल्का सा छोटे से चला दिया। साथ में नमक स्वाद के अनुसार,
और हल्दी पाउडर थोड़ा सा डालेंगे। सबको आपस में मिलने देते हैं, और ये जो बचा हुआ दाल है इसको भी हम इसी में डाल देते हैं ना, इसको पकने देते हैं हल्का हल्का। ये देखिए दोस्तों, जो बचा हुआ दाल था ना उसका भी पानी सारा निकाल दिया, और अब हम इसको भी इसमें डाल देंगे। रात भर दाल हमने भिगा दी थी तो अच्छे से फूल गई। आप चाहे तो 4-5 घंटे भी अगर भिगा देंगे तो उतने से भी आपका, जैसे आपका दिन में खाने का मन करे तो बस 3-4 घंटे भिगा देंगे तब भी आपका अच्छा बनेगा। ये देखिए दाल को और मिर्ची को और मेथी को सबको मैंने हल्दी नमक को अच्छे से चला दिया। अब इसमें जो है दोस्तों बहुत ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि इसको हमें बहुत ज़्यादा दाल के जैसा नहीं पकाना है, तो इसलिए इसमें हम बहुत ही थोड़ी मात्रा में पानी डालें, क्योंकि ऐसे अगर बंद कर देंगे आप इसको, ऐसे अगर बंद कर देंगे और पकाएंगे तो ये आपका जल जाएगा और ठीक से पकेगा भी नहीं, क्योंकि चने की दाल है ना, इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी मैं डालूंगी। ये देखिए एक नन्ही कटोरी पानी मैंने लिया जिसको कि मैंने इसमें डाल दिया। ये देखिए अगर आपको लगता है कि इतने में आपका नहीं पक पाएगा तो आप थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं, लेकिन मैं जो हूँ इसको अब बंद कर दूंगी। मुझे लगता है कि पक जाएगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है ना, अगर नहीं पकता है तो आप थोड़ा सा पानी आपको और डाल सकते हैं और इसको बंद कर देंगे। इसमें जो है 2-3 सीटी आने के बाद, जैसे किसी किसी के बहुत जल्दी जल्दी आ जाती है सीटी, इसलिए मैं 2-3 सीटी के बाद इसको खोल के चेक करूंगी कि हमारी दाल जो डाली है वो पक गई है कि नहीं पक गई। ठीक है चलिए दोस्तों चलते हैं। दोस्तों दाल तो हमने देखिए इधर चढ़ा दी है ना, इसकी सीटी आएगी आपको बता देंगे, 2-3 सीटी के बाद इसको हमें हटाना है ना। अब तब तक आटा मार के तैयारी कर लेते हैं, सब्जी तैयार रहेगी तो खाना बनाने में आसानी रहती है ना। तो ये आटा जो मैंने लिया है ना 1.5 कटोरी, इसमें थोड़ा सा नमक मैंने डाला। अब एक बात का और आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों कि ये वाला आटा थोड़ा सा गीला माड़िएगा या गीला गूथिएगा, है ना। उसका रीजन ये है कि जब हम स्टफिंग करेंगे तो मेरा पराठा फूलेगा नहीं, और अगर नॉर्मल रोटी के जैसे या पराठे के जैसे आप माड़ देंगे या गूथेंगे तो दिक्कत होगी थोड़ी सी, है ना। इसलिए थोड़ा सा बहुत ही सॉफ्ट मुलायम आटा इसको माड़ना है। तो चलिए मारते हैं, ये देखिए मारते जाते हैं आपको दिखाते जाएंगे। ठीक है ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा पानी लगा करके आटे को स्मूथ मारते जाएंगे। ये देखिए सीटियाँ भी बज रही हैं, है ना, सीटियाँ भी बजती जा रही हैं। अभी बस कुछ ही समय में हमारा पक जाएगा दाल। ये देखिए ये आटा जो है बस ऐसे ही आपको मान के ऐसे ही गोल करके रख देना, इसको बहुत ज़्यादा चिकना या वो करने की आवश्यकता नहीं है, है ना। इसको ऐसे करके और ढक के थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। ठीक है ये देखिए दोस्तों हमारे दाल में 5-6 सीटी आ गई है, मुझे लग रहा है कि ये पक गई दाल। तो अब इसको खोल करके ठंडा करके एक बार चेक करेंगे, अगर दाल मेरी हो गई होगी तो फिर हम इसको पीसने की तैयारी करेंगे। उतारते हैं और इसको नीचे रख देते हैं, गैस को ऑफ कर देते हैं। ये देखिए अब क्योंकि गैस इसकी निकल गई है जो अंदर थी भरी हुई हवा, अब हम देखते हैं हमारी दाल पक गई है कि नहीं। ये देखिए चला के दिखा रही हूँ आपको, पूरे अच्छे से पक गई है हमारी दाल, है ना। ये देखिए बहुत अधिक गर्म है, ये देखिए यही हमारी पहचान है कि हमारी दाल पक गई है ना। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए किसी बर्तन में निकाल करके ठंडा होने के लिए रख देते हैं ना, और जब ये ठंडा हो जाएगा फिर इसको पीसेंगे आपको दिखाएंगे। ठीक है अभी आप देख रहे हैं ना दोस्तों, अब इसको ऐसे निकाल के हम इस बड़े थोड़ा सा कटोरे या बाउल में रखेंगे, और जिससे कि इसका जितनी भी भाप है वो निकल जाए और ये ठंडा हो जाए, ताकि मिक्सी में जब हम पीसें तो खुले ना हमारा मिक्सी का जार, है ना। इसको ठंडा होने के लिए 10-15 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा, जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तभी हम इसको पीसेंगे। ये देखिए हमने सारा निकाल लिया है। चलिए दाल देखिए हमारी एकदम ठंडी हो गई है, हाथ से भी आराम से छू सकते हैं,
अब इसको हम पीसेंगे मिक्सी के जार में। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा करके दो बार में कर लेंगे, एक साथ सारा नहीं करेंगे, जिसमें कि अच्छे से हो जाए। ये देखिए दोस्तों, निकालते हैं और देखते हैं। ये देखिए सारी दाल कितनी अच्छे से पिस गई है, ये देखिए एकदम अच्छे से, है ना। इसको भी इसी में पलट लेंगे। सारे जार को खाली कर लिया मैंने, जो भी दाल लगी थी सारी, ये देखिए सारी दाल जो लगी थी वो हमने इसमें से निकाल ली। अब चलेंगे हम लोग पराठे की तैयारी करते दोस्तों। ये देखिए दाल जो हमने पीस के रखी है ना, आटा भी तैयार है मेरा। ये आटे के साथ जो लगाएंगे परथन हम लोग बोलते हैं, वो हो गया। अब इसमें थोड़ा सा देखिए मैंने क्या किया, हरा धनिया और हरा मिर्च, एक हरी मिर्च और थोड़ी सी धनिया काटी है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर से इसमें मिक्स कर लूंगी, जिससे कि इसका स्वाद और अच्छा हो जाए, है ना दोस्तों। और इसको जब हम अपना पराठा बेलते जाएंगे उसमें साथ में भरते जाएंगे। हाथों में थोड़ा सा आटे का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आटा हमारा गीला है ना, गीला माड़ा है, गीला ही हमने यानी कि गूथा है। मैं दोनों बातें बोल देती हूँ, जिसमें जिसको जैसे समझ में आ जाए। ये देखिए एक छोटा सा गोला लिया ऐसे ऐसे, इसको ऐसे ऐसे राउंड करके और हम हाथों से इसकी कटोरी जैसा शेप देंगे। ये देखिए कटोरी टाइप का शेप हो गया इसका। अब इसमें ही हम ये देखिए जो हमने स्टफिंग है इसको अच्छे से भरेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से स्टफिंग पूरी भरी है ना, ये देखिए। और इसको चारों ओर से ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा करके हम ये देखिए राउंड करके हमने इसको ढक दिया। ये देखिए कितने अच्छे से हो गया ना, चारों ओर से बंद हो गया। और इसको फिर से एक बार आप परथन या आटा जो आप लेते हैं रोज बनाने के लिए पराठा या रोटी, उसका इस्तेमाल करेंगे। और देखिए इसको बेलते जाएंगे। एक बात बता दें, इधर मैंने गैस ऑन कर दी है ना, जिसमें कि हमारा तवा जो रखा है मैंने, ये गर्म होता रहे, ठीक है। ये देखिए तवा गर्म हो, इसलिए मैंने इसको रख दिया। अब चलते हैं, इसको बेलते जाते हैं और आप लोग के लिए पराठे गर्मा गर्म सेकते जाते हैं। ये देखिए देखिए जो मैंने बताया था ना, आटा मैंने गीला मारा इसलिए स्टफिंग बाहर नहीं निकली। अन्यथा की स्थिति में जैसे आप स्टफिंग करते हैं, आटा थोड़ा भी कड़ा हुआ या ठीक नहीं मड़ा, तो फिर ये देखिए देखिए तवा गर्म हो गया। अब इस पे हम इसको डालते हैं। अब इसमें दोस्तों मैं जो हूं सरसों का तेल का ही पराठा बनाऊंगी, क्योंकि सरसों के तेल का बना पराठा स्वाद में बहुत स्वादिष्ट होता है ना, इसलिए मैंने इसमें सरसों का तेल का ही पराठा। चने की दाल का पराठा है या आलू का पराठा है, वो आप अगर सरसों के तेल में बनाएंगे तो उसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। और पनीर का पराठा है वो आप देसी घी में या ये देखिए अब एक साइड से देखते हैं कि पक गया कि नहीं। एक साइड का हमारा पक गया, अब दूसरी साइड भी इसको पकने देते हैं, है ना। और आराम से पराठे को पकने देते हैं। देखिए दोस्तों एक साइड का तो ऊपर का देखिए हल्का फूल गया ना, अब देखते हैं पलट के दूसरी साइड की क्या पोजीशन है। ये देखिए हमारा पराठा पक गया है, तो अब इसमें हम ऑयल लगाएंगे। ये देखिए ऑयल को अच्छे से लगाएंगे। ये देखिए और फिर से इसको पलटेंगे, एक बार चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, आराम से पलटेंगे पराठे को। ये देखिए कितना अच्छा फूल करके बन गया ना। अब ऑयल लगाते हैं थोड़ा सा फिर से, और हमारा पराठा जो है खाने के लिए एकदम रेडी है, बस प्लेट में रखा नहीं, ये लोगों ने खाना नहीं शुरू किया है ना। ये देखिए कितना अच्छा पराठा सीख गया है ना दोस्तों। चलिए अब आप लोगों को दिखाते भी हैं प्लेट में रख के। ये देखिए गर्मा गर्म पराठा जो है अब आपकी प्लेट में के लिए, है ना। ये पराठा खाने के लिए आपको कद्दू की सब्जी के साथ ही ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये पराठा ज्यादातर जाड़ों में खाया जाता है या बारिश के मौसम में,
तो उसके साथ कद्दू की सब्जी और चटनी, यही कॉम्बिनेशन इस पराठे का है। साथ में चाय हो तो और मज़ा आ जाए। तो देखिए आप लोगों को कैसा लगा ये मेरी रेसिपी चने के पराठे की, आप बताइएगा। अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और प्लीज़ मेरा चैनल कविता देसी किचन को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जब आप लोग मुझे कमेंट में प्रोत्साहित करते हैं तभी मुझे दूसरे दिन बनाने के लिए ऊर्जा मिलती है और मैं खूब अच्छी अच्छी व्यंजन आप लोगों के लिए लाने की पूरी कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा, कविता देसी किचन को सब्सक्राइब करते जाइएगा, बस हमारा आपका ऐसे ही कारवां चलता रहेगा। थैंक यू।